हे गाइस, वेलकम टू मिस्टर गाड़ी लाइन चैनल। मैं हूं अक्षय पटेल। और आज हम बात करेंगे यूरोपियन कार के बारे में, तो ये इंडियन मार्केट में कितना सक्सेस होगी और इसमें क्या क्या यूनिक फंक्शन दिए, वो सब बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखते वीडियो। वेलकम गाइस, ये फॉक्सवैगन टी-रॉक की, ये पूरा सीबीयू इंपोर्ट कार है और ये सीधे सीधे क्रेटा के साथ कॉम्पीट करेगी। अगर आप क्रेटा लेने की एक बार सोच रहे हो तो इस कार को एक बार देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये कार में बहुत अच्छे फंक्शन भी दिए हुए हैं और आपको ड्राइविंग में भी बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। और क्रेटा के ऊपर भी हमने एक रिव्यू किया है, उसकी लिंक आई बटन के ऊपर मिल जाएगी। और इस वीडियो को भी पूरा देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप दोनों में से कौन सी कार प्रिफर करोगे अपने लिए, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना। तो सबसे पहले इसके फ्रंट एक्सटीरियर लुक के बारे में बात करूं, तो ये लाइन आप देख सकते हो, यहाँ से ये स्पोर्टी लुक भी दिखेगा। और लुक के बारे में स्पेशली बात करूं तो ज़्यादातर कंपनियाँ ज़्यादा क्रोम देती है, ग्रिल को बड़ा किया है, लेकिन यहाँ पर सिंपल और बहुत अच्छा लुक दिखने वाला है। और ये लुक ज़्यादातर लोगों को पसंद आएगा, मीन्स सबको पसंद ये लुक आने वाला है। तो इसके हेडलाइट से बात करें तो प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स मिल जाएंगी, DRLs विथ साइड सिग्नल। अब जब साइड सिग्नल यूज़ नहीं, अभी पार्किंग लाइट ऑन है, साइड सिग्नल यूज़ नहीं करो तब DRLs ऑन रहती है। नीचे की साइड के ऊपर फॉग लैंप दिया हुआ है और ये फ्रंट सेंसर दिए हुए पार्किंग सेंसर, क्योंकि ये CBU इंपोर्ट है तो आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर यहाँ पर ऑब्वियसली मिलने वाले। सिल्वर प्लेट में यहाँ पर प्लेट दी हुई है और जो हनीकुंब जैसा लुक ये ब्लैक डिज़ाइन दी हुई है। इंजन के बारे में बात करते तो यहाँ से इंजन ये 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और TSI टेक्नोलॉजी के साथ ही इंजन आता है। और इसमें ACT टेक्नोलॉजी है, तो ACT टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँ तो जब आपको माइलेज चाहिए तो यहाँ पर 2 सिलेंडर वर्क करेंगे, और जब आपको पावर चाहिए तो आपको यहाँ पर 4 सिलेंडर वर्क करेंगे। और यही सेम इंजन स्कोडा की कारों में भी ऑफर होता है। ये इंजन माइलेज के लिए, जिनको माइलेज चाहिए उनके लिए भी ये कार परफेक्ट है, और जिनको ड्राइविंग एक्सपीरियंस उसको मज़े लेने हैं तो उनके लिए भी ये कार परफेक्ट है। आपको यहाँ पर 17 इंच के अलॉय टायर भी मिल जाएंगे। और दूसरी पैटर्न है वो आप शोरूम से एसेसरी से चेंज भी करवा सकते हो। और यहाँ पर और भी ग्लोसी ब्लैक में आपको मिलेंगे और इंडिकेशन लाइट भी यहाँ पर दिए हुए हैं। स्टेयरिंग के बारे में बात करें तो स्टेयरिंग बॉटम फ्लैट दिया हुआ है और ये स्टेयरिंग के ऊपर लेदर, और ये जो दो पेडल दिए हुए गियर शिफ्टिंग के पेडल दिए हुए मैनुअल में, यहाँ से आप गियर शिफ्ट कर सकते हो। क्लस्टर के बारे में बात करो तो पूरा डिजिटल क्लस्टर दिया हुआ है। टिग्यन ऑल स्पेस में भी यही क्लस्टर होता है और इसका कलर ग्रेडिंग वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। डायरेक्टली सनलाइट भी आती है तो आप आसानी से उसको रीड कर पाओगे, और इसको कुछ भी फंक्शन ऑपरेट करना है तो आप इजीली यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। जब भी आप इंटीरियर के अंदर बैठोगे तो आपको यहाँ पर लॉट्स ऑफ शार्प लाइन और डार्क कलर दिखेगा। और मेरा ये मानना है कि यहाँ पर सॉफ्ट प्लास्टिक दिया होता तो अच्छा रहता, लेकिन ये प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। फॉक्सवैगन ग्रुप है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। अब इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात करूँ तो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, आपको यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले और सारे फंक्शन यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। और जो इसका टच रिस्पॉन्स है वो बहुत ही अच्छा टच रिस्पॉन्स है, और मैप नेविगेशन सब कुछ यहाँ पर इनबिल्ट दिया हुआ है। यहाँ से AC के कंट्रोल्स दिए हुए, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड दोनों साइड आप अपना क्लाइमेट कंट्रोल है वो चेंज कर सकते हो और आपके हिसाब से भी रख भी सकते हो। तो बटन क्वालिटी है वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी दी हुई। यहाँ पर 2 USB पोर्ट दिए हुए, वो आप मोबाइल चार्ज करने के लिए, उसके यूज़ करने के लिए कर सकते हो। यहाँ पर स्पेस दी हुई तो कुछ मोबाइल वगैरह रखना तो आप इजीली यहाँ रख सकते हो। स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ पर मिलेगा। 7-speed DSG टेक्नोलॉजी के साथ ये गियर बॉक्स मिलता है और ये स्पोर्ट मोड भी यहाँ पर ऑप्शन होता है। और इलेक्ट्रिक पार्किंग की स्विच भी दिए हुए और ऑटो होल्ड के फंक्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। और 2 लीटर की बॉटल आप यहाँ रख सकते हो। आर्मरेस्ट की बात करो तो इतना ह्यूज साइज में आर्मरेस्ट की स्पेस नहीं है,
आर्मरेस्ट भी छोटी छोटी साइज में, आर्मरेस्ट की बात करूँ तो आर्मरेस्ट इतना ह्यूज साइज में नहीं है, इसकी साइज भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो। ग्लव बॉक्स के बारे में बात करूँ तो ग्लव बॉक्स की साइज डिसेंट साइज में मिल जाएगा, ना ही छोटा ना ही बड़ा। और यहाँ पर एसडी कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है और सीडी प्लेयर का भी स्लॉट दिया। इस टाइम पे कोई सीडी कार्ड यूज़ नहीं करता है, लेकिन एसडी कार्ड यहाँ पर आप लगा सकते हो और यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर क्वालिटी को बहुत ही अच्छी ऑफर होगी। सीट के बारे में बात करूँ तो सीट का जो कम्फर्ट है वो बहुत ही अच्छा है, और सीट आपको 3 कलर में मिलेगी। कि ये एक ही वेरिएंट है, आपको एक ही वेरिएंट ऑफर होगा फॉक्सवैगन टी-रॉक में। तो जो सीट के ऊपर जो मुझे एक मिसिंग लगा वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट नहीं, आपको मैनुअल ही एडजस्ट करना पड़ेगा ये सीट। अप डाउन कर सकते हो, वो मैनुअली सब कुछ आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सनरूफ के बारे में। तो सनरूफ यहाँ से पहले इसका शेड ओपन होगा और पैनारामिक पूरा सनरूफ दिया हुआ है। ह्यूज साइज में सनरूफ नहीं है क्योंकि एमजी हेक्टर ने और उन्होंने इतने ज़्यादा साइज में सनरूफ दे दिया है, तो आपको ये यूज़ नहीं लगेगा। लेकिन ये साइज कोई छोटी साइज़ नहीं है, वो इनफ साइज़ में सनरूफ ओपन होता है। तो ये इंडियन ज़्यादातर बाहर निकलने के लिए यूज़ करते हैं, तो उनके लिए परफेक्ट बनने वाला है। तो हम इसको क्लोज कर देंगे। और इसका शेड भी क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर जो फंक्शन की स्विच दी हुई उसके बारे में बात करूँ तो SOS की स्विच दी हुई, आप कस्टमर केयर से कनेक्ट कर सकते हो। आपको कुछ गाड़ी में दिक्कत है रोड पे हो तो आपको ये स्विच प्रेस करने से आपको टोइंग का और सर्विस का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। और आई बटन के ऊपर आप अपनी गाड़ी के मैनुअल चेक कर सकते हो। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। बैक सीट के ऊपर कैसा कंफर्ट है और कैसी स्पेस है वो देखना जरूरी है, तो हम बैक सीट के ऊपर जाके बात करेंगे। बैक सीट के ऊपर हम आ गए तो बैक सीट के ऊपर आपको नी रूम इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, नी रूम की स्पेस कम है और जो हेड स्पेस है वो भी कम है। मेरे लिए ओके है, लेकिन मेरे से ज़्यादा हाइट होगी, मेरी 5'5" है तो मेरे से ज़्यादा हाइट होगी, उनके लिए ये दिक्कत वाली बात रहेगी। लेकिन ये इतनी ज़्यादा ना हो इसलिए उन्होंने थोड़े डिज़ाइन भी ऐसे किए कि आपको हेड स्पेस ज़्यादा मिले। सीट के बारे में बात करूँ तो सीट का कंफर्ट अच्छा है, थाई सपोर्ट भी अच्छा है, और जो ये जो डिज़ाइन दी हुए आप इसको कंफर्टेबली और लॉन्ग ड्राइव के लिए परफेक्ट है, आपके बॉडी में ये फिट होता है ये डिज़ाइन। जो आर्मरेस्ट के बात करूँ तो आर्मरेस्ट दिया हुआ और हाइट आर्मरेस्ट की हाइट भी बहुत ही अच्छी है, और यहाँ से इसको आप अपने बॉटल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ से आपको बूट एक्सेस करनी है तो बूट भी आप ईजिली एक्सेस कर सकते हो। बूट में से कुछ सामान निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। तीनों ही हेडरेस्ट मिलेंगे आपको, तीनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ पर ऑफर होगे। और बात करूँ तो ये कंफर्टेबली 2 लोग आसानी से बैठ पाएंगे क्योंकि ये साइज है जो बीच में वो बहुत ही ज़्यादा है, तो 2 लोगों के लिए ही कम्फर्ट एक आ रहे, 3 लोगों के लिए कम्फर्ट नहीं रहने वाला है। और रियर पे AC वेंट दिए हुए और 12 वाट का चार्जर का पॉइंट आपको यहाँ लाइट मिल जाएगा, और रीडिंग लैंप दोनों ही साइड पे आपको ऑफर होगी। अब साइड प्रोफाइल कैसी और रियल लुक कैसा है वो बाहर जाके हम बात करेंगे। प्रोफाइल के बारे में बात करें तो साइड प्रोफाइल में ये लाइन पूरा स्पॉटनेस लुक देगा, और ये यहाँ पे से भी दूसरी लाइन स्टार्ट होती है रियर डोर के ऊपर से, और इतना पोर्शन जब आप देखोगे आपको ऑडी क्यू थ्रू जैसा लुक दिखेगा। ये ऑडी क्यू थ्रू में ही सेम ऐसा लुक आता है, और यहाँ पर भी ऐसे ही लुक आपको देखने को मिलेगा। बैक लुक देखोगे तो बैक लुक मुझे तो अच्छा लग रहा है, अगर आपको कैसा लग रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये सिंपल और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और साइड प्रोफाइल से ऑडी क्यू थ्रू तो ऑब्वियसली दिखती ही है, और टेल लाइट है वो LED में टेल लाइट दिए हुए, और जो एग्जॉस्ट है वो फंक्शनल नहीं है, फेक एग्जॉस्ट है, क्रोम ऊपर दिया हुआ है लुक के लिए दिए हुए। बूट की बात करूँ तो बूट यहाँ से लोगों से ही ओपन होगी, तो आप लोगों से उसको ओपन कर लोगे। तो ये बूट स्पेस है, ये 445 लीटर की बूट स्पेस आपको ऑफर होगी। इतनी ह्यूज साइज नहीं है, लेकिन आपको सामान कुछ रखना हो तो रख सकते हो, और सामान को बांधना हो तो बांध सकते हो, क्योंकि सभी जगह पे पॉइंट दिए हुए आपको सामान को बांधने के लिए, राइड के वक्त इधर उधर ना हो इसलिए आपको पॉइंट ये दिए हुए। तो इसको मैं क्लोज करूँगा।
गाइस ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब की वजह से ही हम और भी अच्छे वीडियो बना पाएंगे और हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता रहेगा। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में।